डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम साइंस बायोलॉजी का सेकंड सवाल कर रहे हैं, कंट्रीब्यूशन ऑफ द मुस्लिम साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ द बायोलॉजी, यानी कि बायोलॉजी में साइंसदानों ने कौन सा अहम किरदार अदा किया या किस साइंटिस्ट ने क्या काम किया है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे इन द फील्ड ऑफ द बायोलॉजी। अब साइंस देखा जाए तो बहुत पहले से स्टार्ट होती है, जब मुसलमान नहीं आए थे उससे पहले की साइंस में इंट्रोडक्शन कराया गया था इन द ग्रीक पीरियड में। लेकिन उससे पहले हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं तो कंट्रीब्यूशन ऑफ द मुस्लिम साइंसदानों ने क्या किया था बायोलॉजी में काम, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि किस साइंटिस्ट ने कौन सा काम किया था और उसका अहम किरदार क्या है बायोलॉजी में। यहाँ पे बहुत सारे साइंसदानों का काम डिफाइन किया गया है, लेकिन उनमें से हम कुछ साइंटिस्ट को समझेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जाबिर बिन हयान। जाबिर इब्न हयान 721 में पैदा हुए 815 तक, ठीक है। इन्होंने बहुत सारा काम किया, इसे फादर ऑफ द अल्कीमिया भी कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री में इन्होंने अहम किरदार अदा किया और बायोलॉजी में भी। अब इनका अहम काम क्या है, प्रिपेयर लार्ज नंबर ऑफ इम्पोर्टेंट केमिकल्स। अब इन्होंने बहुत ज्यादा केमिकल जो इजाद किए थे या बहुत ज्यादा केमिकल इन्होंने इजाद किए थे, उनमें से अहम केमिकल्स कौन से, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, व्हाइट लीड इटीसी। इन्होंने ये अहम जो केमिकल्स से इन्वेंट किए थे लेबोरेटरी के अंदर। इंट्रोड्यूस न्यू केमिकल टेक्निक्स एंड प्रोसेस, लाइक इन्होंने एक नई तकनीक इजाद की थी एक्सपेरिमेंट के अंदर, वो थी कैल्किनेशन, रिडक्शन, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, मेल्टिंग, क्रिस्टलाइजेशन। अब ये स्टेज ऑफ द कुछ चीजें गैसेस की, जैसे कोई चीज पिघल जाना, ठीक है, मेल्ट हो जाना, किसी सॉलिड पार्टिकल्स को डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट कर देना, सब्लिमेशन, रिडक्शन, किसी चीज को रिड्यूस कर देना, कम कर देना, इन्होंने फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था। अब हम ये भी कह सकते हैं कि ग्रीक पीरियड के बाद जो एक्सपेरिमेंटल मेथड है फर्स्ट टाइम वो साइंटिस्ट मुस्लिम साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस करवाया था, इसलिए इन्हें फादर ऑफ द साइंस भी कहा जाता है, फादर ऑफ द मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाता है जाबिर इब्न हयान को। इन्होंने एक और काम किया था, गेव अ साउंड थ्योरी ऑफ द जियोलॉजिकल फॉर्मेशन ऑफ मेटल्स। तो ये थी जाबिर इब्न हयान के बारे में इंट्रोडक्शन मालूमात। अब दूसरा साइंटिस्ट है इब्न अल हातिम, बॉर्न एट बसरा इन एडी 975 में ये पैदा हुए थे बसरा में, 1039 में इनकी डेथ हो गई। मैथमेटिशियन थे, फिजिसिस्ट एंड ऑप्टिशियन, यानी कि शीशे हादसे और इनके बारे में भी इनको मालूमात होती थी। अब इनके अहम काम क्या थे, मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ द इब्न अल हातिम, ही इज अ मोर नोन फॉर हिज ऑप्टिकल वर्क्स व्हिच वर ट्रांसलेटेड इन लैटिन। इनका अहम किरदार जो था ऑप्टिकल, ऑप्टिकल कहा जाता है अक्षों का, शीशों का इल्म, यानी कि जैसे कैमरा का हो गया, ठीक है, लेंसेस का हो गया, माइक्रोस्कोप के अंदर जितनी भी लेंस इस्तेमाल होते हैं उनका हो गया, इनका अहम किरदार था। दूसरा है एक्सप्लेन द रिफ्रेक्शन ऑफ द लाइट रेज थ्रू द ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। एक साफ शफाफ ऑब्जेक्ट से कैसे लाइट रिफ्लेक्ट होती है, एक जगह से दूसरी जगह मुड़ सकती है, उनके बारे में उनको कहा गया है, कैसे उनके अंदर, ठीक है, उन्होंने एक ये ला दिया था, डिस्कवर्ड मैग्नीफाइंग लेंसेज। लेंसेज के अंदर उन्होंने डिस्कवर किया था मैग्नीफाई, यानी कि कैसे भी किसी बारीक से बारीक चीज को और बड़ा करके दिखाने के लिए, मैग्नीफाई करने के लिए लेंसेज में इन्होंने ही डिस्कवरीज की थी। फंक्शन ऑफ द रिटेन एज द सीट ऑफ द विजन, ठीक है, चश्मे जो हम पहनने के लिए इस्तेमाल करते हैं, आंखों के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनकी जो विजन बढ़ाने के लिए या उनको साफ शफाफ करने के लिए भी उनका एक किरदार था। फर्स्ट साइंसिस मूव एलैबोरेटेड टू लॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये पहले साइंसदान थे जिन्होंने रोशनी के दो लॉज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को बयान किया गया था। पिन होल कैमरा वॉज कंट्रीब्यूट बाय हिम। पिन होल कैमरा जो है वो इन्होंने ही इजाद किया था। पिन होल कैमरा हम उनको इस कैमरे का भी कह सकते हैं जिससे तस्वीरें वगैरह खींची जा सकती हैं। आपको इस तस्वीर में एग्जांपल के तौर पे जो दिया गया है ऊपर में, ये पिन होल कैमरा जो यूज द कैमरा इन्होंने इजाद किया था जिससे तस्वीरें इंसान की कैप्चर की सकते हैं। पिन होल कैमरा से पहले पेंटिंग की जा सकती थी, जैसे उसमें कैप्चर करके इंसान की
फिगर वगैरह से ही कर सकते थे। आइडेंटिफाई ग्रेविटी एज अ फोर्स, इन्होंने ही बताया था ग्रेविटी ऑफ द फोर्स के बारे में, थोड़ा बहुत इन्होंने आइडेंटिफाई किया था और बताया था। इस फेम लाइज इन द बुक किताबुल मनाजिर व्हिच इज ऑन ऑप्टिक्स, इनकी जो मशहूर किताब है किताबुल मनाजिर है, जो शीशे अच्छे इनके बारे में है, जो किरदार है वो अदा किया जाता है, जिसके बारे में डिफाइन किया गया है। तो इब्ने लातिन के बारे में ज्यादा तो वर्क इनका जो था लेंसेज के बारे पे डिपेंड है, लेंस पे। अल बेरूनी, अल बेरूनी 973 में पैदा हुए, 1048 में इनकी डेथ हो गई। मेजर कंट्रीब्यूशन, इनके अहम किरदार कौन थे, कौन से थे, क्या काम किया था इन द फील्ड ऑफ द बायोलॉजी में, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ एडवांस ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स का एक सब्जेक्ट है जिसमें इन्होंने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, उनके बारे में इन्होंने बताया था। गैप थ्योरी दैट लाइट ट्रेवल फास्टर देन साउंड, इन्होंने एक नजरिया दिया जिसके बारे में इन्होंने बताया कि रोशनी की रफ्तार साउंड की रफ्तार से बहुत ज्यादा तेज है, यानी कि रोशनी ज्यादा तेजी से सफर करती है बतौर साउंड के, आवाज के। आवाज इतनी जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंच पाता जितनी तेजी से लाइट पहुंच सकती है, इन्होंने ये पॉइंट दी थी। डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन फुल्ली द कंसेप्ट ऑफ द लैटिट्यूड एंड लेटिट्यूड, इन्होंने लाइट के बारे में चीजों के बारे में बताया था, लैटिट्यूड और लेटिट्यूड क्या है। He gave the idea that Earth is not stationary but rotates on its axis. इन्होंने नजरिया दिया था कि जमीन रोटेशनली नहीं करती बल्कि रोटेट इन इट्स एक्सिस, एक जगह से दूसरी जगह एक्सिस में रोटेट करती है। इसी वजह से 24 घंटे में जैसे दिन हो या रात होती है तो सन एक ही जगह पे खड़ा होता है, हमारी जमीन जो होती है वही रोटेट करती है। इसी वजह से हमें फील होता है कि सूरज गर्दिश कर रहा है, पर इसका उलट होता है कि हमारी जमीन ज्यादातर गर्दिश करती है सूरज से। He learned संस्कृति लैंग्वेज इन द ऑर्डर इन इन्वेस्टिगेट इंडियन नॉलेज, इंडियन हिंदुस्तानी या इंडियन नॉलेज के परस्पेक्टिव इन्होंने संस्कृत लैंग्वेज के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ा और उसके बारे में मालूम हासिल की। He accurate determined the weight of the 18 stone in the physics, 18 पत्थर, 18 जो नगीने होते हैं उनके बारे में उन्होंने, उनके वजन, उनके बारे में एक्यूरेट वजन और उनके बारे में बताया फिजिक्स के बुनियाद पे। इनकी मशहूर जो बुक्स वगैरह हैं तहकीकुल हिंद अबाउट हिस्ट्री एंड सोशियोलॉजी कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन इन द 11th सेंचुरी, किताबुल जवाहर इनकी एक मशहूर बुक है, बुक ऑफ द जेंट्स एंड स्टोन ऑफ द डिफरेंट टाइप्स। अब जितने भी नगीने वगैरह होते हैं, पत्थर होते हैं, स्टोन कुदरती तौर पे जो हमें मिलते हैं उनके बारे में, उनके बारे में ये किताब है किताबुल जवाहर, उनके बारे में लिखी गई है। कानून अल मसौदी ये भी एक इनकी मशहूर बुक है। तो ये अल बेरून के बारे में था, उन्होंने ये जो डिफाइन किया इन द फील्ड ऑफ द बायोलॉजी। इब्ने नफीस 12th सेंचुरी के मशहूर साइंटिस्ट थे मुसलमानों के, इन्होंने रेस्टर्ड फिजिशियन भी थे और renewed expert of the Shafi school of the jurisprudence, discovered pulmonary blood circulation which was rediscovered 3 centuries later, इन्होंने pulmonary blood circulation यानी कि blood कैसे circulate करता है heart के अंदर, pulmonary veins के अंदर कैसे circulate करता है, जो बाद में चल के 3 century के बाद भी वो अच्छी तरीके से define किया गया। ये पहले साइंटिस्ट थे, फर्स्ट डिस्क्राइब द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द लंग्स ब्रोंचियल्स एंड द कोरोनरी आर्टरीज, के लंग फेफड़ों से ब्रोंचियल से ऑक्सीजन एक ब्लड जाके इलेक्ट्रोलाइट होता है और वहां से ऑक्सीजन भी ब्लड के अंदर मिल जाता है और वो सारे जिस्म तक पहुंच जाता है, वो भी इन्होंने इब्ने नफीस ने डिफाइन किया था, बताया था। इलेबोरेटेड द फंक्शन ऑफ द coronary arteries as a feeding the cardiac muscles, cardiac हमारे मसल जो दिल के मसल्स हैं वो cardiac करते हैं, तक ब्लड पहुंचाने का काम क्या है वो भी इन्होंने elaborate अच्छी तरीके से बताया था। अब ये थे मुस्लिम साइंटिस्ट जो थोड़े बहुत जिनके बारे में हमने डिफाइन किया। अब नॉन मुस्लिम यानी कि गैर मुसलमान साइंसदान थे, उन्होंने क्या काम किया था, उनका क्या काम था वो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। द मशहूर साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक, हुक्स ने कौन सा काम किया था, उन्होंने क्या डिफाइन किया था। हुक वाज द परहैप्स द सिंगल ग्रेटेस्ट एक्सपेरिमेंटल साइंटिस्ट ऑफ द 17th सेंचुरी के मशहूर साइंटिस्ट थे, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट के तौर पे भी इन्होंने चीजों को डिफाइन किया और बताया। द यूनिवर्सल ज्वाइंट यूज इन द मोटर व्हीकल्स,
बैलेंस व्हील इन द वॉच, घड़ी के अंदर जो बैलेंस कांटे को घुमाने के लिए जो बीच वाला सर्कल होता है वो भी इन्होंने डिफाइन किया था। द ओरिजिनेटेड ऑफ द वर्ड सेल इन द बायोलॉजी, बायोलॉजी का जो सेल का वर्ड है वो भी फर्स्ट टाइम इन्होंने ही डिफाइन किया था, रॉबर्ट हुक, ये वो संस्थान है जिसने सेल के बारे में बताया था। हम पहले ही पढ़ के हैं कि सेल क्या है, जिंदगी का बुनियादी जुज जो है वो सेल है, सारे के सारे जानदार सेल के बने हुए हैं। तो फर्स्ट टाइम 1665 में इन्होंने ही बताया था सेल के बारे में। तो ये था रॉबर्ट हुक के बारे में। अब दूसरा साइंटिस्ट है एनाटॉमी लुईस हुक, बायोलॉजिकल सेल। अब ये इन्होंने क्या काम किया था, पर्सन हु डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ द फर्स्ट टाइम। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि ऐसे जानदार जिनको विदाउट माइक्रोस्कोप के जरिए नहीं देख सकते, फर्स्ट टाइम इन्होंने ही बताया था विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोस्कोप। जब माइक्रोस्कोप इन्वेंट की गई थी तो उनके बाद इन्होंने बताया था कि हमारे माहौल में ऐसे भी जानदार हैं जिन्हें न सिर्फ हम खुली आंखों के साथ नहीं देख सकते लेकिन उन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप नजर आती है, लेकिन ऐसे जानदार जरूर हैं जिन्हें हमारी आंख नहीं देख सकती। तो वो फर्स्ट टाइम इन्होंने ही बताया था लुईस हुक ने। ही डिस्कवर ब्लड ब्लड सेल्स एंड वाज द फर्स्ट टू सी लिविंग स्पर्म सेल ऑफ द एनिमल्स। इन्होंने यही थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम ब्लड सेल के बारे में बताया था। अगर हमारे यहाँ ब्लड निकलता है तो हमें जस्ट लाइक अ लिक्विड फॉर्म लगता है, लेकिन अगर उसे माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करेंगे तो हमें उसके अंदर रेड स्पॉटेड चीजें नजर आएंगी, सर्किल नजर आएंगे जिन्हें रेड ब्लड सेल कहा जाता है। तो वो भी फर्स्ट टाइम इन्होंने ही बताया था। एक और साइंसदान है लुईस पॉस्चर, ही सॉल्व द मिस्ट्री ऑफ द रेबीज, एंथ्राक्स, चिकन को कॉलरा एंड सिल्क वॉर्म डिजीज। ये साइंटिस्ट था जिन्होंने बीमारी के बारे में बताया था, उनके बारे में बताया था कि इनकी वजूहत क्या है, किस वजह से होती है। बहुत सारी ऐसी डिजीज होती हैं जैसे आजकल कोरोना वायरस चल रहा है तो उसके बारे में हमें पहले मालूम नहीं थी कि ये कौन सी डिजीज है, इसके बारे में पहले इंफॉर्मेशन ली गई कि किस वजह से होती है, बाद में उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया गया, बाद में उसकी वैक्सीन बनेगी। तो इसी तरीके से बहुत सारे जमाने में हिस्ट्री में ऐसी बहुत सारी बीमारी डिजीज पैदा हो चुकी है जिनके बारे में मालूम नहीं हो रही थी, तो कुछ डिजीज के बारे में इसने उनको डिफाइन किया था जिनमें से ये कुछ है, रेबीज, एंथ्रॉक्स, चिकन कोलरा एंड सिल्क वर्म डिजीज, एंड कंट्रीब्यूटेड द डेवलपमेंट ऑफ द फर्स्ट वैक्सीन। पहली वैक्सीन जो इन बीमारियों के बारे में थी वो दवाई इन्होंने इजाद की थी जो बीमारियों के बारे में अभी मैंने बताया। इट डिस्क्राइब द साइंटिफिक बेसिस फॉर द फ्रेगमेंटेशन वाइन मेकिंग एंड द ब्रूइंग ऑफ द बियर। इन्होंने तरीका बताया जिनसे अंगूर वगैरह हो या ऐसी चीजें हैं जिन्हें गर्म करके उबाल के थोड़ी देर दिनों तक रख के उसके बाद उनमें से वाइन बनाई जाती है, बियर बनाई जाती है, या कुछ फ्रेगमेंटेशन कोई ऐसी चीज जो हमें बेकरीज वगैरह में यूज की जाती है वो बनाई जाती है। वैक्सीनाइजेशन एंड द पेस्टराइजेशन इनके बारे में थी, यानी कि ऐसी मेडिसिन जो हम बीमारी होने से पहले यूज करते हैं वो भी इन्होंने ही कुछ मेडिसिन इजाद की थी लुईस पॉस्चर ने। इसके बाद एक और साइंटिस्ट है चार्ल्स डार्विन, द ब्रिटिश नेचुरलिस्ट हु रिवोल्यूशनाइज्ड द साइंस ऑफ द बायोलॉजी बाय हिज डेमोंस्ट्रेशन ऑफ द एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। अब ये वो साइंसदान है जिन्होंने नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताया था कि माहौल में जो जानदार, अभी एग्जाम्पल इसके तौर पे ये मैं बता देता हूँ, जैसे स्क्रो है, चिड़िया है, हमारे यहाँ वही चिड़िया है लेकिन ऑस्ट्रेलिया के साथ से देखेंगे तो उनकी कलरफुल होती है। वजह क्या है, वजह यही होती है, रीजन यही है कि नेचुरल माहौल हमारा इफेक्ट होता है, जैसा वेदर होता है उस हिसाब से वैसे जानदार इंसान उन पर असर भी हो जाता है और वैसे ही उन पे इफेक्ट होता है। तो नेचुरल सिलेक्शन, इन्होंने ये एक बुक लिखी थी, इनको फादर ऑफ द एवोल्यूशन कहा जाता है, इन्होंने एक बुक लिखी थी जिस हिसाब से इनको फादर ऑफ एवोल्यूशन कहा जाता है, इर्तका का बाप, यानी कि ऐसी चीज, ऐसी तब्दीलियां जो सालों के बाद होती है आहिस्ता आहिस्ता होती है उसको एवोल्यूशन कहा जाता है। मतलब ऐसी एवोल्यूशन जो एक दो दिनों में हो, ऐसी तब्दीली जो 100 साल 200 साल के बाद हो, जैसे एग्जाम्पल ले पहले समझा जाता था जिराफ जो है उसकी गर्दन जो बिल्कुल डोंकी जितनी है छोटी होती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एक नस्ल से दूसरी नस्ल में उसमें ट्रांसफर होता गया और उसकी गर्दन बढ़ती गई और उसमें तब्दीलियां आती गई जिस वजह से उनके अंदर ऐसी चीजें तब्दील हो गई। इस तब्दीली को जो एक दो दिनों में या एक दो सालों में नहीं बल्कि एक दो सदियों में हो, ऐसी तब्दीली को एवोल्यूशन कहा जाता है। इसके बारे में अच्छी तरीके से जो बताया था वो चार्ल्स डार्विन का, इसलिए इनको फादर ऑफ द एवोल्यूशन कहा जाता है।
on the origin of the species by means of the natural selection or the presentation of the favored races in the struggle of life. You know, इनके हिसाब से यानी कि वो नस्ल रह सकती है, वो नस्ल जिंदा रह सकती है जो उस माहौल के साथ मुकाबला कर सके, उस माहौल के हिसाब से अपने आप को वैसा बना दे इस पर, इसी तरीके से वो उस माहौल में सरवाइव कर सकती है। एक और साइंटिस्ट है कार्लोस लिनियस। अब इन साइंटिस्ट ने क्या काम किया था, द ग्रेटेस्ट बॉटनिस्ट ऑफ द 18th सेंचुरी, 18वीं सदी का एक मशहूर साइंटिस्ट था, बॉटनिस्ट था। बॉटनिस्ट कहते हैं पौधों का इल्म रखने वाला, यानी कि पौधों के बारे में उनकी मालूमात रखने वाले को बॉटनिस्ट कहा जाता है। ये स्वीडिश का बॉटनिस्ट है, इन्होंने इंट्रोड्यूस सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट्स बेस्ड ऑन देयर सेक्सुअल ऑर्गन्स, फादर ऑफ द टैक्सोनॉमी। अब दर्जाबंदी ग्रुपों ग्रुप में बांटना, पौधों को उनके बेसिस के हिसाब से एक ग्रुप में बांटना कि कौन से पौधे में कौन सी खूबियां हैं वो उस सेक्शन में रखा जाता है, कौन सा पौधा किस कैटेगरी का है, किसमें फ्लावर कैसे होते हैं, किसमें लीफ किस हिसाब से होते हैं, तो उनको क्लासिफिकेशन करना तो इन्होंने फर्स्ट टाइम किया था कार्लोस लिनियस ने, इसलिए इनको फादर ऑफ द टैक्सोनॉमी कहा जाता है, यानी कि दर्जेबंदी का बाप। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन्होंने क्या काम किया था, इन 1928 में वाइल वर्किंग ऑन द इन्फ्लुएंजा वायरस के बारे में इन्होंने काम किया था 1928 में। ही ऑब्जर्व्ड दैट द मोल्ड हैड डेवलप्ड एसिडली ऑन द स्ट्रेप्टोकोकस, एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से बीमारी होती है इन्फ्लुएंजा वायरस, उनपे इन्होंने एक उनपे अच्छी तरीके से काम किया और उनकी मेडिसिन बनाई जिसे दुनिया की फर्स्ट पेंसिलिन कहा जाता है, एंटीबायोटिक जो मेडिसिन थी फर्स्ट वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ही बनाई थी, पेंसिलिन। ये फंगस से पेंसिलियम, एक फंगस से उसमें से एक मेडिसिन बनाई गई थी पेंसिलिन, जो हर एक बीमारी के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। जैसे आजकल बहुत सारे एंटीबायोटिक है लेकिन फर्स्ट एंटीबायोटिक जो मेडिसिन है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ईजाद की थी इन्फ्लुएंजा वायरस पे जिनपे काम किया था। तो ये कुछ साइंटिस्ट थे जिनके बारे में इनकी मालूमात थी, इनकी हिस्ट्री थी। कुछ साइंटिस्ट वगैरह आप बुक्स वगैरह में भी और पढ़ सकते हैं अच्छी तरीके से, अगर इसके बारे में कुछ सवाल वगैरह हो तो आप पूछ सकते हैं।